रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी मोहम्मद सरफराज गुमन, एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज के जी अपने इस व्लॉग में हम आए हुए हैं यूसुफ गोट मंडी में, और आज के अपने इस व्लॉग में हम मंडी की अपडेट लेने के लिए आए कि मंडी क्या सिचुएशन है, माल वगैरह आना शुरू हुआ है कि नहीं ईद उल अज़हा के लिए। बाकी अभी आए हैं और जिस पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं, इस पॉइंट से देख के हालत तो ये लग रही है कि मंडी में अभी माल आना शुरू नहीं हुआ और बाहर के जो व्यापारी हैं वो अभी तक नहीं आए। बाकी अभी जो यहाँ के बाड़े वाले हैं उन्हीं का ऐसा महसूस हो रहा है कि माल उन्होंने वही अपना ही माल बाहर निकाल के बांधा हुआ है। बाकी अभी कस्टमर वगैरह भी थोड़े बहुत एक दो नज़र आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक व्यापारी से एक बछड़े का रेट टच किया और वो रेट आपको ना बताने वाला रेट है कि समझ लें एक जानवर तकरीबन होगा 2.5 से 4 मन के दरमियान होगा। उसके वो व्यापारी 8 लाख की डिमांड कर रहा है, उसने 8 लाख की डिमांड की। बाकी अभी मेरे लिहाज से तो मंडी बिल्कुल खाली है। जैसे ही इंशाल्लाह ईद के दिन करीब आएंगे और माल वगैरह आना शुरू होगा और हम लोग आपको रेगुलर बेस पे डेली बेस पे व्लॉग बना के मंडी की अपडेट देते रहेंगे। बाकी अभी थोड़ा सा जितना है मंडी में जो माल वगैरह है जो बाड़े वालों ने बाहर निकाला हुआ है वो आपको अभी विज़िट कराते हैं इतने इस व्लॉग में, तो फिर बगैर देर किए चलते हैं। ये जी मंडी के हम लोग आखिरी पॉइंट पे खड़े हैं और ये वाला जो आखिरी पॉइंट है यहाँ से जो रास्ता है हमारे घर की तरफ करीब पड़ता है, कबाड़ी चौक की तरफ चला जाता है, और जबकि ये राइट साइड वाला रास्ता ये आगे निकलता है, हब रोड पे निकलता है और जो कि सीधा माश मोड़ और शेशा की तरफ भी चला जाता है, और अगर सीधे हाथ की तरफ जाएँ तो बलूचिस्तान की तरफ चला जाता है। बाकी अभी सिचुएशन ये है कि ये जो बाड़े वालों का माल है उन्होंने ही अपना माल बाहर लगाया हुआ है। बाकी ये आप देख सकते हैं कि अभी ये मंडी खाली है, अभी आखिरी पॉइंट पे हैं। असल में हम लोग उस रोड से आए और सारा देखते हुए आए, पर हमारे को देखने में भी यही महसूस हुआ कि अभी माल नहीं आ रहा और ना हमारे सामने कोई ऐसे ट्रक वगैरह आया कि मैं आपको बताऊं कि माल आना स्टार्ट हो गया। अभी चलते हैं इंशाल्लाह वापसी यहीं से जहाँ से हम लोग आए, और जितना माल आया हुआ है यहाँ, जितना माल लोगों ने रखा हुआ है, भाड़े वालों ने बाहर निकाल के रखा हुआ है, वो आपको अपने इस व्लॉग में दिखाते हैं। ये जी अभी हम वहाँ से निकल आए हैं जो आखिरी पॉइंट था मंडी का, वहाँ से अभी हम रोड की तरफ जा रहे हैं। ये आगे अभी हम हब रिवर रोड की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह ये मंडी के एंड में बकरे आते हैं और ये वही बकरे वाले भी बैठे हुए हैं, और बाकी इधर ये भूसा वगैरह पड़ा हुआ है जानवरों के लिए। और है मंडी की सिचुएशन, आप पूरे ये मेरे फ्रेम में देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। बार बार यहाँ करूँ और वहाँ करूँ, इससे अच्छा है कि कैमरा सीधा रखता हूँ और आप मंडी की सिचुएशन देख लें। हालांकि माल पीछे भी आता है ईद के दिनों में और माल वो पीछे तक आ रहा होता है, पर अभी जो है सिचुएशन ये है कि माल अभी नहीं, जो यहाँ के बाड़े वाले हैं उन्होंने ही अपना माल बाहर निकाला हुआ है। भाई साहब मंडी से हम लोग वापसी आ चुके हैं, और जिस तरह पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया मंडी की सिचुएशन बताई कि मंडी में अभी तक माल वगैरह नहीं आया बाहर से, जो पंजाब के व्यापारी होते हैं या और सिंध साइड के व्यापारी होते हैं जो आते हैं मंडी में अपना माल फ़रोख करने के लिए, वो अभी तक नहीं आए। और अभी तक जो सिर्फ माल जिस तरह मैंने वीडियो में दिखाया माल वही है जो वहाँ के बाड़े हैं मंडी वाले, वो उन्होंने ही अपना माल बाहर निकाला है। बाकी मेरे मशवरे के मुताबिक अभी मंडी जाना बेफजूल है। बाकी अगर जिसको मेरी तरह शौक़ है कि एक इंसान को होता है शौक़ होता है कि जानवर वगैरह देखने का, तो वो अगर जाना चाहते हैं तो बिलाझिझक जाएं,
बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसे जैसे ईद का टाइम करीब आएगा आपका भाई जो है व्लॉगिंग वगैरह करेगा इंशाल्लाह ज़रूर करेगा कि ईद के दिन करीब आ जाए माल वगैरह आना शुरू हो जाए और तो उस लिहाज से फिर मज़ा भी आया वीडियो में तो इसलिए उन दिनों में व्लॉगिंग वगैरह करेंगे। बाकी अभी जो रेट वगैरह मैंने एक दो से टच किया ना उसकी वीडियो बनाई क्योंकि वो वीडियो में दिखाने के काबिल नहीं क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि अभी भी महीना डेढ़ रहता है तकरीबन महीना डेढ़ रहता है बड़ी ईद के आने में तो व्यापारी जो हैं वही बाड़े वाले उनसे हम लोगों ने एक जानवर का जाके रेट पता किया तो उसने 8 लाख रुपये मांगे, दूसरे का वेट मालूम किया तो उसने 6.5 लाख मांगे। तो मैंने वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा, मैंने बोला ये तो ऑफ कैमरा इतने बोल रहे हैं, अगर मैं कैमरा ऑन कर लूँ तो कितने बोलेंगे। बाकी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद है मुझे कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका भाई इस तरीके की वीडियो बनाता रहे और मंडी अपडेट्स आपको देता रहे। जितना अच्छा इस वीडियो के ऊपर मुझे रिस्पॉन्स आएगा इंशाल्लाह उतनी ज़्यादा वीडियोस मैं मंडी की बनाऊंगा और जो वीडियोस होंगी इंशाल्लाह उसके ऊपर रेट्स वगैरह के ऊपर भी होगी। अभी तो सिर्फ मैंने आपको दो जानवरों के रेट बताए हैं कि एक के 8 लाख और एक के 6.5 लाख। अभी भी देख लें कि अभी ईद आने में कितने दिन है और अभी रेट का क्या हिसाब किताब है तो एंड के दिनों में क्या होगा, पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो वीडियोस मैं बनाऊंगा उसमें रेट्स वगैरह भी लेके बताऊंगा आपको, वीडियो रेट्स वगैरह के हवाले से भी आएंगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।